लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान अमर दरामद कमेटी के इजलास में सूबों की जानिब से भिजवाई गई रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर बताइए का इजलास से मुतालिक। जी, नेशनल एक्शन प्लान टास्क फोर्स के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, जो कि कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उनकी ज़ेर सदारत इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक कमेटी का इजलास हो रहा है। और इस इजलास का बुनियादी मकसद सूबों की जानिब से भिजवाई गई जो रिपोर्ट्स हैं उनका जायजा लेना है। जो नेशनल एक्शन प्लान का बड़ा इजलास हुआ था उसमें यह फैसला किया गया था कि तमाम सूबे हफ्तावार रिपोर्ट्स जो है वो विफाक को भेजा करेंगे, जिनका जायजा खुद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ लिया करेंगे और उसके बाद उनका तकाबली जायजा लिया जाएगा और सूबों की कारकर्दगी का तयन किया जाएगा और वो रिपोर्ट वजीर आजम को भेजी जाया करेगी। और आज के इजलास में इन तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है और इसके साथ साथ जो फैसले हुए थे बड़े इजलास में और जो सूबों को टास्क दिए गए थे उन पर अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया बशीर चौधरी।